बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो पार्ट ए में डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स और वाई इनिशियल वैल्यू हमें गिवन है। इस तरह डी वाई बाई डी एक्स में इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और वाई ऑफ जीरो हमारे साथ वन के बराबर है। इस तरह डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वेयर, वाई ऑफ टू जीरो के बराबर है। इस तरह भाग डी। तो ए बी डी, ये ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 ए बी सी में सॉल्व की। ये ए है ओल्ड बुक में, ये बी है और डी हमारे साथ ई सी पार्ट है ओल्ड बुक में। और ये सी पार्ट में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे साथ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्क्वेयर। तो ये मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस टू। अब डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल क्या है? इंटीग्रेशन है। तो डेरिवेटिव को मैं इंटीग्रेशन से सॉल्व करता हूँ। तो ये मैं लिख सकता हूँ या डी वाई इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर माइनस टू प्लस सी। तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से वाई रह जाएगा और एक्स पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन और प्लस सी जो इंटीग्रेशन में आता है। ठीक है, तो वाई हमारे साथ आ जाएगा एक्स पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन प्लस सी, या वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स पावर माइनस वन, नीचे एक्स पावर प्लस वन हो जाएगा और प्लस सी। अब सी मालूम करने के लिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट कर ले। वाई ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, मतलब पुट एक्स इज इक्वल टू टू एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। पुट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एक्स टू और वाई की जगह जीरो पुट कर ले। तो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू माइनस वन ओवर टू प्लस सी, या सी हमारे साथ आ जाएगा माइनस वन ओवर टू, उस साइड पे प्लस वन ओवर टू हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले। तो वाई हमारे साथ आ जाएगा माइनस वन ओवर एक्स और सी की जगह वन ओवर टू। ठीक है, तो पार्ट सी हमारे साथ सॉल्व होगी और ए बी डी की वीडियो मैंने यहाँ पे अटैच की है, आप लोग वो देख ले और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स। सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। नंबर ए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, डी वाई by डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और इनिशियल कंडीशन है वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। सो ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ डी वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग। तो ये हमारे साथ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारे साथ है साइन एक्स और प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब c की वैल्यू मालूम करने की इनिशियल कंडीशन पुट कर ले। पुट x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वन इज इक्वल टू साइन जीरो प्लस सी, साइन जीरो जीरो के बराबर है, सो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू वन। तो पुट c इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन। तो हमारे साथ एग्जैक्ट या पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम हो गया। पार्ट नंबर b है dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इनिशियल कंडीशन है y ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो डिफरेंशिएट डी वाई में लिख सकता हूँ डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रल ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ डी ख़त्म हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री प्लस सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। टू पॉइंट सी, पुट इनिशियल कंडीशन x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो वन इज इक्वल टू जीरो क्यू डिवाइड बाई थ्री प्लस सी, इट मीन्स दैट c इज इक्वल टू वन। पुट c इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो y इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई थ्री प्लस वन, विच इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया।
पार्ट नंबर सी है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई स्क्वेयर टू एक्स वाई स्क्वेयर और इनिशियल कंडीशन है वाई ऑफ थ्री इज इक्वल टू माइनस वन वाई ऑफ थ्री इज इक्वल टू माइनस वन। आप ये मैं लिख सकता हूँ डी वाई वाई स्क्वेयर में यहाँ पे रहता हूँ डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड टेम ऐसा आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ वन ओवर वाई स्क्वेयर या वन ओवर वाई स्क्वेयर लिख सकता हूँ वाई पावर माइनस टू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टू एक्स डी एक्स। तो ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन हमारे साथ आ जाएगा वाई पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस सी टू टू ख़त्म हो जाएगा ये हमारे साथ आ जाएगा वाई पावर माइनस वन डिवाइड बाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी या ये आ जाएगा माइनस वन ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी। पुट इनिशियल कंडीशन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इनिशियल कंडीशन एक्स थ्री है और वाई हमारे साथ माइनस वन है तो इधर माइनस वन वाई की जगह माइनस वन पुट कर लें इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक्स की जगह थ्री पुट कर लें थ्री स्क्वेयर प्लस सी तो सी हमारे साथ आ जाएगा माइनस वन ख़त्म हो जाएगा तो सी हमारे साथ आ जाएगा थ्री स्क्वेयर से नाइन आता है दूसरी साइड पे माइनस नाइन सी की वैल्यू माइनस नाइन आएगी पुट सी इज इक्वल टू माइनस नाइन इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये बन जाएगा माइनस वन ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी। तो ये हमारे साथ बन जाएगा बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई वाई एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन प्लस सी मतलब सी की वैल्यू फुट कर ले माइनस नाइन ठीक है सी की जगह हमने माइनस नाइन फुट कर दिया। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई वाई तो ये हमारे साथ बन जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन या वाई इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन वाई इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। इसलिए हमने एक गलती की है मैं दोबारा टिक करता हूँ ये हमारे साथ वन आ गया वन इज इक्वल टू नाइन प्लस सी या सी इज इक्वल टू वन माइनस नाइन सो दिस इम्प्लाइज दैट कि सी इज इक्वल टू माइनस एट पुट सी इज इक्वल टू माइनस एट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये हमारे साथ बन जाएगा माइनस वन ओवर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स स्क्वेयर माइनस एट यहाँ तक भी ठीक है अगर आप वह इसको चेंज करते तो मल्टीप्लाई बाई फर्दर साल करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाई वाई तो माइनस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर वाई इन टू एक्स स्क्वेयर माइनस एट सो वाई इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एट अगर इससे आप मल्टीप्लाई करते तो वाई इज इक्वल टू वन ओवर एट माइनस एक्स स्क्वेयर इस तरह भी आप लिख सकते हैं अगर इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ पार्ट नंबर सी सॉल्व